मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 का नेक्स्ट जनरेशन जो है इंडिया में 18 अगस्त को लॉन्च होने वाला है। तो इससे पहले इस गाड़ी की कुछ डिटेल्स जो है सामने आई है, जो कि मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस गाड़ी के डायमेंशन से। तो इस गाड़ी में हमें 3530 mm की लेंथ, 1490 mm की विड्थ और 1520 mm की हाइट मिलती है। वहीं पे इस गाड़ी में हमें 2380 mm का व्हील बेस यहाँ पे हमें मिलता है। तो इस नेक्स्ट जनरेशन की लेंथ जो है थोड़ी ज़्यादा होने वाली है और व्हील बेस भी थोड़ा ही ज़्यादा होने वाला है। बाकी विड्थ और हाइट में यहाँ पर हमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलता है। इस गाड़ी में हमें वाइट, सिल्वर, ग्रे, रेड, ब्लू एंड गोल्ड ऐसे 6 कलर ऑप्शंस मिलने वाले हैं। वहीं पे इस गाड़ी की प्राइसिंग के बारे में अगर बात करेंगे तो वो हो सकती है 4 लाख टू 6 लाख के बीच में। अब बात करते हैं इस गाड़ी में मिलने वाले पेट्रोल इंजन के बारे में। तो इस गाड़ी में हमें 1 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलने वाला है, जिससे हमें 67 bhp पावर और 89 Nm का टॉर्क जो है मिलने वाला है, जो कि पहली वाली ऑल्टो से है थोड़ा बहुत पावरफुल है। साथ ही साथ इस गाड़ी में हमें अब AMT ट्रांसमिशन भी मिलने वाला है और फ्यूचर में इस गाड़ी में हमें CNG का भी अपडेट मिल सकता है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के लुक्स के बारे में। तो एक्सटीरियर का डिज़ाइन जो है गाड़ी का पूरा ही बदल दिया है। ये एक नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो K10 है, तो इसमें हमें हेडलाइट का डिज़ाइन हो गया, बम्पर का डिज़ाइन हो गया, वो सारे डिज़ाइन जो है एकदम ही न्यू देखने को मिलते हैं। वहीं पे इसका इंटीरियर भी एकदम ही न्यू है, पहली वाली ऑल्टो K10 से एकदम ही डिफरेंट यहाँ पे हमें इसके लुक्स जो है देखने को मिलेंगे। इंटीरियर में हमें 7 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन और न्यू इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी यहाँ पर इस गाड़ी में मिलने वाला है। तो इस गाड़ी में हमें 8 वेरियंट्स देखने को मिलते हैं, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड ऑप्शनल, LXi, LXi ऑप्शनल, VXi, VXi ऑप्शनल, VXi प्लस और VXi प्लस ऑप्शनल, ऐसे हमें 8 वेरियंट्स इस गाड़ी में देखने को मिलते हैं। बात करेंगे इस गाड़ी में मिलने वाली सेफ्टी की, तो यहाँ पे हमें इस गाड़ी में डुअल एयरबैग्स, ABS, EBD जो कि हमें स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। वहीं पे इसके AMT वाले वेरिएंट में हिल होल्ड असिस्ट का फीचर भी हमें देखने को मिलता है। तो कैसे लगे आपको ये अपडेट्स कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियोज़ आगे देखने के लिए। थैंक यू सो मच।